YouTube चैनल आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू दम। आप लोगों ने तो अपने अपने घरों में बहुत बार बनाई होगी और हर एक घरों की एक अपनी ही आलू दम की रेसिपी होती है। तो आज मैंने सोचा मैं एकदम ही सिंपल तरीके से आपको एक आलू दम की रेसिपी बताती हूँ। तो चलिए अब हम बनाते हैं। तो आलू दम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आलू को अच्छे से बॉईल कर लिया हुआ है। आप देख सकते हैं बॉईल करके मैंने हाफ कट कर लिया हुआ है। उसके बाद जो हम कट कर लेंगे आलू को, मैंने 4 पीसेस में कट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारे ही आलू को अच्छे से कट कर लिया हुआ है। आप भी ऐसे ही करके सारे आलू को अच्छे से कट कर लें और सबको एकदम अलग अलग कर लें, एक दूसरे से चिपका ना रहे। तो ये आलू कट के रेडी है। अब जो है मैं आलू को एक साइड में कर देती हूँ और एक बाउल ले लूंगी। उसमें मैं थोड़ा सा मसाला ऐड करूंगी, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ऐड कर सकते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च, आपको जितना कलर चाहिए आप उतना ही ऐड करें। अगर आपको तीखा ज़्यादा चाहिए तो आप लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें हल्का सा पानी ऐड करूंगी और एक पेस्ट रेडी कर लेते हैं। तो पेस्ट हमारा रेडी हो गया। अब हम एक फ्राई पैन को गरम कर लेते हैं। इसके बाद मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड कर लूँगी। मस्टर्ड ऑयल को एकदम अच्छे से हम गरम कर लेंगे। तेल को गरम करने के बाद मैं इसमें काला जीरा का फ़ोरन लगाऊंगी और कुटी हुई लहसुन, 3 से 4 कलियाँ मैंने ली हुई हैं, इसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और अच्छे से 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद जो हमने मसाला का रेडी किया हुआ था वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से अब हम फ्राई कर लेंगे। हमें मसाले को तब तक फ्राई करना है जब तक कि ऑयल हमारा अच्छे से दिखने ना लगे मसाले में। 5 मिनट बाद ये देखिए मसाला भी हमारा एकदम अच्छे से फ्राई हो गया और तेल दिख रहा है। अब जो हमने आलू बॉईल करके रखा हुआ था वो मिक्स कर देंगे और अच्छे से मसालों के साथ हम पकाएंगे। गैस को एकदम लो फ्लेम पे ही रखेंगे ताकि जो आलू में है मसाले का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो ये देखिए एकदम आलू भी हमारा अच्छे से मसालों के साथ फ्राई हो चुका है। हम ऐसे ही लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, मसाला और आलू एक दूसरे के साथ एकदम अच्छे से फ्राई हो जाए। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी सफ़ेद तिल, थोड़ा सा ही क्वांटिटी में हम ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही ऐड किया हुआ है। इसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो है आलू दम बन के रेडी, अब हम सर्व कर लेते हैं। तो होप गाइज आप सबको मेरे आलू दम की रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।